हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एक्सपोनेंशियल लर्निंग में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं जेपी चौहान सर, डायरेक्टर ऑफ एक्सपोनेंशियल लर्निंग। सर एनआईटी जयपुर से 2006-07 बैच के पास आउट हैं और फर्स्ट ट्वेल्थ के साथ इन्होंने एनआईटी जयपुर के अंदर एडमिशन लिया था। उसके बाद हजारों विद्यार्थियों को उन्होंने प्रेरित किया है और बहुत सारे विद्यार्थी इनसे पढ़े हुए जो आईआईटी और एनआईटी के से पास आउट हो चुके हैं, राइट। अभी भी ये निरंतर छात्रों को पढ़ाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि अपने टारगेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से अचीव किया जाए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। कुछ चीजें मैं, आईआईटी का एग्जाम बहुत टफ एग्जाम है, लगभग 12 से 13 लाख जो स्टूडेंट है वो आईआईटी का पेपर देते हैं मेंस का। एडवांस का लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट जो है वो एडवांस का क्लियर करते हैं। सीट जो है वो लगभग 13,000 से 13,500 के बीच में आसपास में सीट है। सर क्या बहुत टफ पेपर है क्या ये? पहली बात तो सर, मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो टफ नहीं होता है। एक्चुअल में सभी जो एग्जाम्स का लेवल जो होता है वो लगभग सेम ही होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के कैलिबर को देखते हुए पेपर सेट किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यही ध्यान रखी जाती है कि स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग या आप देख लो कि भाई सिलेबस क्या चल रहा है, स्कूल सिलेबस तक बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए बच्चे एक्चुअल में क्या है प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल। अब एग्जाम जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने आ जाते हैं कि एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कंपटीशन बढ़ जाता है तो सभी लोग ये बोलते हैं कि एग्जाम बहुत टफ है, एग्जाम बहुत टफ है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इट्स गेम ऑफ योर माइंड। आप कितना अच्छे से आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द वे यू डील विद सिचुएशंस, दैट डिपेंड्स अपॉन द वे यू लर्न, दैट डिपेंड्स अपॉन यू इंटरेक्ट विद योर टीचर्स, योर कलीग्स। उस एग्जाम को किस तरीके से ले रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव बने रहे तो कोई भी एग्जाम को इजीली ओवरकम किया जा सकता है। यस सर। सर मतलब टफ का तो सिनेरियो जैसा कि सर ने बताया कि ये सब माइंडसेट का खेल है। आप जैसा अगर टफ सोचोगे तो टफ लगेगा, अगर आप इजी सोचोगे तो इजी लगेगा। सर पर मार्केट का सिचुएशन ही चेंज कर दिया गया है। मार्केट में आप ये फील करेंगे कि 6th क्लास से पेरेंट जो है वो 6th क्लास से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि किसी भी तरीके से आईआईटी में बस एडमिशन मिल जाए। तो क्या सर 6th क्लास से आईआईटी की प्रिपरेशन करना जरूरी है क्या, आईआईटी एग्जाम निकालना हो तो? क्योंकि हमने तो नहीं किया था, राइट। और बहुत सारे लोगों से मैं इंटरेक्ट भी करता हूं, बहुत सारे जैसे मैं खुद क्लास लेता हूं तो बहुत से लोगों से मिलता हूं जो आईआईटी के एलुमनाई रह चुके हैं, और ये सब मैंने देखा उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि 6th क्लास से प्रिपेयर किया एकदम से। ये 3-4 साल में ऐसा क्या सिनेरियो चेंज क्यों हो गया कि लोग 6th से प्रिपेयर करेंगे तभी जरूरी है कि आईआईटी का एग्जाम निकले? ऐसा मार्केट में से ट्रेंड बन गया है आजकल, राइट? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सर पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि या सभी पेरेंट्स को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 6th क्लास से बच्चे को एक तो उस चीज में ना डालें आप, बिकॉज बच्चा आईआईटी तो क्लियर कर लेगा लेकिन आईआईटी क्लियर करने के बाद में जो इसको इन पर्सन उसने क्या काम किया है अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। अगर वो आईआईटी में पढ़ लिया वो कोई जरूरी नहीं है, अगर उसका इन पर्सन ग्रोथ नहीं हुआ तो सब जीरो हो जाएगा। तो आईआईटी में जाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट कि वहां जाके इन पर्सन वो कितना प्रेजेंटेबल है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है कि धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत काम करने के बाद में चीजें निकल के आती है, तो वो चीजें बहुत जरूरी है। कंपटीशन के तहत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या है 6th क्लास से ही क्या है कि बच्चों को बस क्या है ग्रैब करना चाह रहे हैं कि अभी से बच्चा मेरे पास आ जाए ताकि 12th तक क्या है उसको अपन ग्रैब करके रख लें। तो 6th क्लास से कोई जरूरी नहीं है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी करवानी है, आपको किसी भी आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवानी है, यू कैन स्टार्ट विद योर 11th एंड 12th क्लास। अगर 2 साल के अंदर बच्चा प्रिपेयर करता है तो आराम से बहुत अच्छे से एग्जाम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो 11th 12th से आप स्टार्ट करवाइए। मैं बात होती है अगर 6th से 10th क्लास की, तो 6th से 10th क्लास तक उसको एक्स्ट्रा करिकुलर में काम करवाएं आप, क्योंकि उसमें वो जितना अगर ग्रोथ करेगा तो वो कहीं ना कहीं कि उसको इन पर्सन इतना फायदा मिलेगा तो वो आईआईटी से बहुत ऊपर चला जाता है। तो आईआईटी एक बहुत बड़ा हवा नहीं हो गया, बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई है, उससे ज्यादा काम बच्चों पर करना चाहिए उनके इन पर्सन उनके एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर। तो वो एक्चुअल में फ्यूचर डिसाइड करता है बच्चे का। तो आप 6th से 10th तक बच्चे को तैयारी नहीं करवा के, हाँ अगर बच्चे को टेक्निकल फील्ड में ही आपको लेके जाना है तो एक ओलंपियाड लेवल होता है, तो उसके तहत भी क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो 6th क्लास से ही प्रिपरेशन करवा देते हैं। तो अगर आपको ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो आपको स्कूल के अंदर जो आपकी पढ़ाई चल रही है बस वो स्कूल की पढ़ाई को आप क्या वो सीरियसली लेने आप अच्छे से कर रहे हैं, तो किसी कोचिंग में आपको 6th क्लास से 8th क्लास तक जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आप उस खाली जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती है उन्हीं को बहुत अच्छे से आप कर लें तो आप काफी हद तक आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे कि आपने बताया कि कहीं 6th क्लास में जाने की जरूरत देखिएगा, जैसे कि सर ने बताया कि 6th क्लास में से ही आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, पर सर 6th क्लास में बच्चों को आइडिया नहीं होता है, ये पूरा रोल होता है पेरेंट्स का कि भाई ये पूरी जो ड्रीम आजकल मुझे लगता है सर आईआईटी का मेन बच्चों का ज्यादातर बच्चों का आईआईटी एग्जाम नहीं लेकिन नहीं निकलने के पीछे रीजन है कि ये ड्रीम बच्चों का कम और पेरेंट्स का ज्यादा हो गया है। तो सर मतलब एक स्टेटस सिंबल सा हो गया, बच्चा मेरा कहां जाएगा, जाएगा तो आईआईटी में ही जाएगा, जबकि अलग बात है प्राइवेट कॉलेज में बच्चा मिलता है।
ज्यादातर बच्चे। तो सर मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि फैकल्टी अपना रोल पूरा प्ले कर रही है, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सर पेरेंट्स का क्यों रोल है, क्या रोल है पेरेंट्स, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करें, किस तरीके से ओवरऑल सर्वांगीण विकास के लिए उनको किस तरीके से वो उचित कदम उठाए, उसके लिए आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं? सर पेरेंट्स के लिए तो मैं एक यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को अगर एक लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, भले वो IIT क्यों ना हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो एक बेसिक सी चीज है, आपको डे वन से बच्चे से जीरो डे से आपको क्या बच्चे के साथ में काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग के भरोसे, आप टीचर्स के भरोसे बैठ गए। टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, बच्चा अकेला कुछ नहीं कर सकता, इवन पेरेंट्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल दिस थ्री पीपल। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कोई भी टारगेट अचीव किया जा सकता है। बच्चा अपना टारगेट अचीव कर लेगा, पेरेंट्स को जो चाहिए वो उनको मिल जाएगा, टीचर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज मिल जाएगी, लेकिन तीनों को मिलकर एफर्ट्स लगाने होंगे। पेरेंट्स के रोल की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बच्चा किस चीज में उसका इंटरेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उस चीज में अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसी चीज में उसको आप मोटिवेट करें। जरूरी नहीं IIT बहुत बड़ा हवा हो गया है, लेकिन जो बच्चे वाकई कैलिबर है बच्चे के अंदर जीरो डे से उसके ऊपर उस डायरेक्शन में काम हुआ है तो प्लीज उसे उस चीज में मोटिवेट करें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं तो बच्चों को उस चीज में भी काम करना चाहिए, उसको प्रेरित करें आप। स्पोर्ट्स में आज की डेट में इतने आयाम स्थापित हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो इतनी अपॉर्चुनिटी हो गई है, तो आप उसको लेके बहुत कुछ काम कर सकते हैं बच्चों के साथ। जरूरी नहीं है आप हमेशा टेक्निकल या कॉम्पिटेटिव या फिर एकेडमिक्स के अंदर ही आप एक्सप्लोर करें, आपके पास दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर करने के लिए। तो पेरेंट्स का रोल ये होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे के ऊपर काम किया जाना चाहिए। सही सही बात है। अजीत सिंह अगर शायद IIT का एग्जाम देता तो नहीं निकल पाता, पर आज गाने गा के करोड़ों कमा लेता और किसी IIT से बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं IIT का पार्ट होना। हाँ, अगर आपका ड्रीम है कि अगर आपको IIT में जाना है तो आप अपने ड्रीम से भटकिए मत, फिर आप अपना टारगेट सेट करिए, पर देखा देखी पे डिसीजन नहीं लेना है, राइट? सर दूसरी चीज, चलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया, बच्चे ने एक डिसाइड कर लिया, पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट तय हो गया कि भाई यहीं पढ़ना है, सब कुछ तय हो गया कि बच्चा IIT ही करेगा, दैट डिसीजन हो गया। अब सर ये जो मैं फील कर रहा हूं आजकल, बच्चे कोचिंग ज्वाइन करने के बाद बुक्स को नहीं पढ़ते हैं और ये उनकी आदत हो जाती है। वो बुक्स नहीं पढ़ते, वो नॉर्मली क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बुकलेट दिया गया वो बुकलेट को पढ़ेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नोट्स बनवा दिया वो नोट्स को पढ़ेंगे, उसी नोट्स को 4 बार 5 बार 10 बार रिवाइज कर देंगे और पैटर्न भी अच्छा बना हुआ है, एग्जाम भी निकाल देते हैं। पर उनकी जो हैबिट है ना वो स्टार्टिंग से गड़बड़ हो जाती है बुक नहीं पढ़ने की, और वो आगे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद भी वो बुक पढ़ने की आदत उनकी हमेशा हट जाती है। तो सर आपको क्या लगता है कि बच्चे को आगे अगर आगे के लिए अगर डेवलपमेंट करना हो तो, या IIT कोई भी एग्जाम निकालना हो या किसी भी तरीके से अगर उनको नॉलेज गेन करना है तो क्या बुक पढ़ना जरूरी है कि जो नोट्स पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है उनके लिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आप इसकी बात करूं, देखो रीडिंग हैबिट जो है वो इंसान को इन पर्सन भी इतना अच्छा इंसान बनाने के काम आती है। रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप टेक्निकल बुक्स ही पढ़ रहे हैं, रीडिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स। बिल्कुल, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, कुछ भी हो, रोड चलते हुए आपको कुछ भी पढ़ने का मिल गया वो पढ़ने लग गए। इस तरह की हैबिट अगर स्टूडेंट के अंदर है तो वो आई थिंक किसी भी चीज को अचीव कर सकता है, बिकॉज रीडिंग में जो आपको ज्ञान मिलता है एक्चुअल में, बिकॉज उसमें पता नहीं होता है बच्चे को किस डायरेक्शन में चलना है, लेकिन पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें बच्चा सीख जाता है, डेवलपमेंट उसका हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बिल्कुल प्रोसेस बना हुआ है फिक्स्ड, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है उसमें, एक बहुत एक लिमिटेड ज्ञान आपको मिल पाता है उसके अंदर। लेकिन अगर आपको एक्सप्लोर करना है, किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, तो उसको एक रीडिंग हैबिट बनानी चाहिए। तभी क्या है कि लाइफ के अंदर वो सभी डायरेक्शन में क्या है, सभी डायरेक्शंस में जाके चेक कर पाता है कि या कह सकते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लोर बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो रीडिंग हैबिट तो होनी चाहिए। और एक और चीज बता दूं, IIT में चलो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचर्स ने आपको अच्छे से गाइड कर दिया, आपने वो नोट्स पढ़ लिए, आपने IIT एग्जाम क्रैक कर दिया, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ऐसा पर्टिकुलर कोई भी एक डायरेक्टिव या एक डायरेक्शन में नोट्स प्रिपरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है कि सीधा मॉड्यूल्स मिल गए, क्वेश्चंस निकाल लिया, आपने सब कर लिया। आपको वहां पर खुद प्रिपरेशन करनी होगी, बहुत सारी चीजों की हेल्प लेनी होगी, तो वहां पर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, सबसे अच्छी बात होती है वहां पर, अगर आप देखोगे सर, मैं एक बार अगर आप NIT जयपुर, मैं अभी रिसेंटली गया था, तो NIT जयपुर में सर, मैं वहां पर, वहां के जो लाइब्रेरियन सर है, मेरी वहां पर उनसे बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। तो उनकी सबसे अच्छी, वहां पर जो सबसे लाइब्रेरी की सबसे अच्छी बात लगी, उस लाइब्रेरी का जो एक साल का जो बजट था वो 5 करोड़ रुपए बजट था। एक साल में गवर्नमेंट किसी एक NIT के ऊपर 5 करोड़ रुपए बजट निकाला जाता है सिर्फ लाइब्रेरी के नाम पर, ताकि बच्चे क्या है कि उनके अंदर एक रीडिंग की हैबिट निकल गया। और उन्होंने मेरे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मुझे चेक किया कि वो ही वाज जस्ट आस्किंग कि मैक्सिमम एक बुक का कॉस्ट कितना ज्यादा हो सकता है। उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा, तो मैंने बोला 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, इससे महंगी बुक क्या होगी। तो उन्होंने बताया मुझे कि लाइब्रेरी के वहां पर एक बुक थी, उसके अंदर उसकी बुक की कॉस्ट थी 5 लाख रुपीज।
बिल्कुल उस बुक की कोर्स थी 5 लाख रुपीज और उस पूरी बुक के 20 वॉल्यूम्स थे और उस बुक को पढ़ने के लिए ऑल ओवर जयपुर वो एक अकेली लाइब्रेरी है जहां पर इतनी महंगी बुक अवेलेबल है, पूरे राजस्थान के अंदर उस लेवल की बुक अवेलेबल नहीं है। सही बात है। तो ऐसी कई चीजें जो होगी वो रीडिंग से ही मिलेगी, कोई प्रोफेसर या कोई टीचर आपको लाके नहीं दे देगा, तो आपको कहीं ना कहीं रीडिंग हैबिट डालनी चाहिए। एक नई चीज निकल के आती है तो वहां से आपकी लर्निंग इतनी बढ़िया होगी, आपको मजा आएगा लाइफ के अंदर। सही बात, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि सर बच्चे ने डिसाइड कर लेता है कि मुझे आईआईटी करना है, पेरेंट्स वगैरह सब डील करते हैं, सब कुछ सब सोच लेते हैं, पढ़ते हैं। अब बच्चा पढ़ता पढ़ता कभी कभी क्या होता है, डिमोटिवेशन से आने लग जाता है, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए कोटा चले गए, जिस चौराहे पे बैठोगे स्टूडेंट ही दिखेगा, क्लास में बैठोगे स्टूडेंट ही दिखेगा, जहां देखोगे स्टूडेंट ही, रैंक चल रही है, कॉम्पिटिशन मतलब एक मशीन सी निकल रही है। तो सर उस टाइम बच्चों को मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं होता है, बच्चों को कच्ची उम्र से ही उस जगह डाल दिया जाता है, वहां पर वो उतना परिपक्व नहीं हो पाते हैं, थोड़ी सी फेलियर मिलती है उनको ऐसा लगता है जिंदगी चल बसी है, राइट। तो सर ऐसे बच्चों को मोटिवेशन के लिए मुझे नहीं लगता कि आउटसाइडर मोटिवेशन जो है उनको ज्यादा रोल प्ले कर सकता है, उनको इनर मोटिवेशन रखना है। तो सर वो इनर मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से वो बच्चे इनर मोटिवेशन रखे ताकि डिप्रेशन उनके आसपास भी नहीं आ पाए, चाहे सक्सेस मिलना फेलियर मिलना अलग चीज है सर, एक मोटिवेशन मेरे नजर में एक मोटिवेशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों को मैं एक चीज यही बोलना चाहता हूँ, हाँ मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए, अगर सफलता हासिल करनी है किसी भी चीज के लिए, तो मोटिवेशन का एक सही में बाकी बहुत ही बड़ा रोल है। मोटिवेशन की अगर बात करें तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है, अगर आपको कहीं दूसरे लोग अगर मोटिवेट कर पा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी दूसरे लोग आपको डीमोटिवेट भी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स है वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट नहीं करने चाहिए, उन चीजों से आप दूर रहें। अगर आपको कोई मोटिवेट कर पा रहा है मोटिवेट ही रहें, डीमोटिवेट करने वाले से बहुत दूर रहें आप। डीमोटिवेट अगर कोई कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो चीज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज को आपको हमेशा अपने को दूर रखना है। अगर आपको सेल्फ मोटिवेटेड बने रहना है तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बने रहे आप। बिल्कुल, जो चीजें आपको मोटिवेट कर रही है सिर्फ उसको सुने आप, जो चीजें आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है, नेगेटिव एनर्जी लेके आ रही है, तो उस चीजों को आप भूल जाए, आप अवॉइड करें आप। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं क्या मोटिवेट बनाए रखेगी, मोटिवेट करती रहेगी आपको। अब ये कि अब बाहरी बाहरी जो सुंदरता होती है वो इतनी खतरनाक होती है, इतनी चीजें होती है जो आपको कहीं ना कहीं डेविएट करती है आपके एक्चुअल पाथ से, तो उनसे आपको हटना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक लक्ष्य बनाना होगा। जैसे आपका लक्ष्य अगर आईआईटी में जाना है तो आपको उस लक्ष्य की तरफ ही देखना है, थोड़ा बहुत भी डेविएट नहीं होना है हमेशा। आपको जब भी आप डिमोटिवेट है आपके लक्ष्य को ध्यान रखें, आप जब भी डिमोटिवेशन है आपके लक्ष्य की तरफ जाएं। लक्ष्य पाने के बाद में आपके दिमाग में वापस क्या चीजें आती है, लक्ष्य क्यों पाना है, उसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन है, उसके बाद में आपको क्या चीजें मिलने वाली है, तो वो चीजें अगर आपके दिमाग में रख के चलेंगे तो आपको लाइफ में 101% आप कभी भी डिप्रेस नहीं होने वाले। तो ये चीजें आपको क्या हमेशा ध्यान में रखनी है। अब अगर आपको सेल्फ मोटिवेशन की बात करें तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छी बात है आप अपने आपको एंगेज रखें। आप कई बार क्या होता है, बच्चा क्या होता है थोड़ी देर फ्री हो जाता है, सही बात, तो उस चक्कर में क्या होता है वो इधर उधर घूमने गया तो वहां से वो डिमोटिवेशन आपका स्टार्ट होता है। तो आप अपने आपको इंगेज रखें, आप जितना आप अपने आपको इंगेज रखेंगे तो उतना ही ज्यादा आप क्या मोटिवेटेड रहेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के और करीब जाते जाएंगे। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और एक और अगर आप चाहें तो योगा को आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है थोड़ा मैं फ्री होना चाहता हूं, मेरे रेगुलर रूटीन से थोड़ा सा मैं हट के काम करना चाहता हूं, तो योगा को अपने रूटीन के अंदर पूरा एक कल्चर की तरह उसे लें। आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, आप अपने आप से बात करें। एक्चुअली में कई बार क्या होता है लोग अपने आप से बात नहीं करके लोगों से बहुत बात करते हैं, जिस दिन आप अपने आप से बात करने लगे, सो योगा द ब्लैंक स्पेस इज द बेस्ट वे टू टॉक टू योर सेल्फ। बिल्कुल, वो चीजें आप हमेशा करते रहे तो उससे क्या है कि आपका मोटिवेशन कभी नहीं जाएगा, आपको मजा आएगा लाइफ के अंदर। सही बात है सर। बिल्कुल सर, लास्ट में मोटिवेशन के लिए जैसा आपने बताया, देखिए पूरा गेम साइकोलॉजी का है। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि ये काम करना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, राइट। जब भी कभी आपको नेगेटिव थॉट्स अंदर आने लग जाए तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि उन्होंने क्या ड्रीम आपके साथ जोड़ के देखा है, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो खाली वो आपकी प्रिपरेशन नहीं, आपके साथ आपके पेरेंट्स, आपकी पूरी फैमिली सब मिलकर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना किसी भी टारगेट से। और दूसरी चीज, उसके बाद जब आप टारगेट अचीव कर लोगे तो उसके बाद की चीजों को सोचिए कि लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी। जब उसके बाद की सिनेरियो को आप सोचोगे तो कभी जिंदगी में डिमोटिवेशन आएगा नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि सही ट्रैक पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो ज्यादा सोचना नहीं है, ठानना है कि ये करना है और किसी भी तरीके से उस चीज के पीछे जुट जाइए, राइट। तो एक दो लाइनें सुना देता हूं सर मोटिवेशन के लिए। सोच बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, दिशा बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी दिशा बदलनी है, अपनी मेहनत को थोड़ा एक्सेलरेट करना है और डिटरमिनेशन के साथ काम करते रहिए, सब कुछ जो आप चाहोगे वो आपके कदमों में होगा, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।